मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इस पर विधायक और कांग्रेस नेता आपस में कोई फैसला नहीं कर पा रहे, इसलिए नेता प्रतिपक्ष बनाने का मामला कांग्रेस ने हाईकमान को सौंप दिया है। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष का नाम तय होना था, लेकिन आपस में मतभेद के चलते सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से एक ही लाइन का प्रस्ताव रखा कि हाईकमान यह तय करेगा कि मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक अजय सिंह ने कहा कि सभी विधायकों ने एक लाइन का प्रस्ताव रखा है कि हाईकमान तय करेगा कि नेता प्रतिपक्ष कौन हो। मुख्यमंत्री द्वारा मांस मदिरा की दुकानें और लाउड स्पीकर को लेकर दिए निर्देश पर अजय सिंह ने कहा कि मोहन यादव अगर विकास के मुद्दे पर चर्चा करते तो मैं उनका स्वागत करता। अजय सिंह ने कहा कि चुनाव के पहले भाजपा ने लाडली बहन को 3,000 देने की बात कही थी, अगर वह ये घोषणा करती तो मैं उनका स्वागत करता। यदि मोहन यादव जी विकास के मुद्दों पर चर्चा की होती, फैसला किया होता तो मैं उनका स्वागत करता। यदि वो लाडली बहनाओं को जो 3,000 की बात कही थी चुनाव के पहले, उसकी घोषणा की होती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। लेकिन लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगे, मास्क की दुकान कहाँ लगे न लगे, ये कौन से फैसले भाई? कांग्रेस के भीतर चर्चा है कि इस बार मध्य प्रदेश में आदिवासी नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए ताकि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में आदिवासियों का समर्थन मिल सके। यही वजह है कि उमंग सिंगार, बाला बच्चन, ओमकार सिंह का नाम नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में माना जा रहा है। इसके अलावा वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह, रामनिवास रावत, अजय सिंह के नाम को लेकर भी चर्चा है। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी कांग्रेस पार्टी के विधायक दल में एक लाइन का प्रस्ताव पारित हुआ है कि मध्य प्रदेश विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष का चयन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे हाईकमान आदरणीय श्री खड़गे जी, श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी और कमलनाथ जी के विवेक के ऊपर छोड़ा है। जो हाईकमान सही कर देंगे वो हम सब कांग्रेस पार्टी के विधायकों को मान्य होगा। ये प्रस्ताव आज एक लाइन का पारित हुआ है। देखिए, मैं समझता हूँ कि आप सबकी जानकारी में है, मैं 1993 से लगाकर अभी तक एमएलए में हूँ। मैं 6 बार का विधायक हूँ और कटारे जी के समय मैंने मध्य प्रदेश विधानसभा का कार्यवाहक नेता प्रतिपक्ष के रूप में मैंने अपना दायित्व निभाया है और मेरा परफॉर्मेंस सब आप लोगों की जानकारी में सब है। आप लोगों ने सबने देखा है, मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन की जानकारी में है। हमको सरकार को जितना कटघरे में खड़ा कर सकते थे हम लोगों ने कटघरे में सरकार को खड़ा किया, वो लगभग 2013-18 तक की बात है और उसके बाद 18 में फिर हम चुनाव जीते और कांग्रेस की सरकार बनी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में मैं होम गृह मंत्री और जेल मंत्री बना और उसके बाद फिर वापस चुनाव जीतकर अभी फिर हम विधानसभा में आए। जो भी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से और चुने हुए आदरणीय हमारे विधायकों की तरफ से जो मिलेगी उसका हम मध्य प्रदेश की जनता के लिए और अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए और मतदाताओं के लिए हम दमदारी से, निष्ठा से, ईमानदारी से और पूरी क्षमता से हम काम करेंगे और इस सरकार को हम घेरेंगे और यह सरकार ने जो वादे किए उन वादों से मुकर नहीं सके, कथनी करनी में भेदभाव नहीं कर सके। दमदारी से हम मध्य प्रदेश की जनता की और मतदाताओं की हम लड़ेंगे मध्य प्रदेश की विधानसभा में। मध्य प्रदेश नेता प्रतिपक्ष का चयन का प्रस्ताव एक लाइन का पारित हो जा चुका है कि हाई कमान को नाम तय करके भेजना है, जो नाम तय होगा हम उसका अक्षर से पालन करेंगे। स्वाभाविक रूप से पार्टी लोकसभा के लिए तैयार है और लोकसभा के लिए लड़ने के लिए सबको एकजुट रहेंगे विधायक, यही बात रही। और हाईकमान पे विधायक दल का फैसला, सबने विश्वास जताया विधायकों ने हाईकमान पे, तो हाईकमान तय करेगा। देखिए, ये अब आपसी पार्टी का है, अब वो चूंकि दौरे पे थे और जैसा हमारे राष्ट्रीय महासचिव ने कि हमारी बात हो, स्वाभाविक है सब विधायकों ने विश्वास जताया और हाईकमान पे इस बात पे कि आने वाले भविष्य में उतरे। देखिए, आज जो विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी उसमें सभी साथियों ने एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया है और हमारे जो आला कमान है, हाईकमान है, उस हाईकमान को हमारे विधायक दल का नेता चुनने के लिए अधिकृत किया। आदरणीय कमलनाथ जी कुछ विशेष कार्य के लिए छिंदवाड़ा में थे और इसी कारण से वो यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए। देखिए, जो जहाँ तक लाउड स्पीकर की बात है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है और ये आज की नहीं, 2010 की गाइडलाइंस है और मैं समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस बनाई है उस गाइडलाइंस का पालन सभी लोगों को करना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री महंगाई और किसानों पर बात करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता और हम लोग स्वागत करते कि बेरोजगारों पे करा महंगाई पे बयान दिया पहला, लेकिन जिस तरह का उन्होंने बयान दिया वो अफसोसनाक है और उसमें कहीं ना कहीं उनकी नीयत भी साफ नहीं थी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सब पे सीमित रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट की चलेगी कि रामेश्वर की चलेगी?
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।